सबको मसीह नमस्कार। मसीह मित्रों, एक बार फिर आप सबों का इस वीडियो में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे एक बार फिर से ऐसा मौका मिला है कि हम इस वीडियो के द्वारा हम आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बारे में हम लोग बातचीत हम लोग कर सकें। तो मसीह मित्रों, अभी हम लोग सभी जैसे जानते हैं कि आज सारा विश्व कोरोना के महामारी से आज ग्रसित है और सारे संसार आज इसके चपेटे में है। और ऐसे समय में मेरे प्रियो, आज प्रशासन की ओर से ये कड़ा कदम उठाया जा रहा है कि निश्चय हम इसका हम बचाव कर सकें, हम इसका हम सामना कर सकें। और इस निमित्त मेरे प्रियो, निश्चय आज बहुत सारे आज उपाय किए जा रहे हैं, बहुत सारे निर्देश दिए जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, अगर हम इस कोरोना के महामारी से अगर हम बचना चाहते हैं, इनसे अगर हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच में जो भी सरकार की ओर से जो निर्देश दिया जा रहा है, जो आज्ञा दिया जा रहा है, उसका पालन करना आवश्यक है। क्योंकि मित्रों, हम लोग सब जानते हैं कि सुरक्षा ही बचाव है और इसका एकमात्र उपाय है मेरे प्रियो कि सचमुच में हम आज्ञा का पालन करें, हम प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय हम इस कोरोना के प्रकोप से, इस महामारी से हम बचाए जा सकते हैं। यदि हम इसमें कोताही बरतते हैं, यदि हम ढिलाई करते हैं मेरे प्रियो, तो वो ना केवल वो आपके जीवन के लिए, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए वो मेरे प्रियो हानिकारक सिद्ध होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, जैसे ही सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया मेरे प्रियो, सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए हैं। प्रशासन के निर्देश के अनुसार मेरे प्रियो, वे लोग एक दूसरे से सामाजिक डिस्टेंस बना के वे लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से जो कोरोना का वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश ना कर जाए। क्योंकि यदि वो कोरोना का जो वायरस अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है, वो मेरे प्रियो आपके शरीर को वो नाश करेगा। और इसी तरह से मेरे प्रियो, लोग सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन का ऐसा निर्देश है कि किसी भी चीज को अगर आप छूते हैं तो आप सैनिटाइजर से अपने हाथों को आप धोए। क्योंकि अब जब ऐसा आप करते हैं तो नीचे वो जो कीटाणु है वो नाश हो जाता है मेरे प्रियो। आज जुबान जुबान पे आज कोरोना का नाम है। जहां भी जाइए, छोटे से लेकर बड़ों तक, आज सारी जगह कोरोना 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 फैला हुआ है मेरे प्रियो। आज लोगों को डर है कि यदि इस कोरोना से बचाव ना किया जाए, इसका उपाय ना किया जाए, सावधानी ना बरता जाए, तो आपके जीवन के लिए, आपके शारीरिक जीवन के लिए वो हानिकारक होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग सरकार के इस निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज भी वे लोग इत्मीनान के साथ में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और ऐसा करके ना केवल वे अपने जीवन में खतरा ला रहे हैं, लेकिन आज वे अपने लोगों में और संसार के लोगों में भी आज वे खतरा को बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आपको जानने की आवश्यकता है, इस निर्देशों का पालन करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए आप सबों से ऐसा निवेदन करते हैं कि जो भी प्रशासन की ओर से या तो कलीसिया की ओर से मेरे प्रियो, जो भी आपको निर्देश दिया जा रहा है, हम उसका हम बहुत ही गंभीरता के साथ में हम इसे हम लोग पालन करें मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इसी तरह से आत्मिक जीवन के लिए भी आपको सोचने की आवश्यकता है। लेकिन आज जब संसार में देखा जाता है, मसीह जीवन में देखा जाता है मेरे प्रियो, लोग आत्मिक जीवन के लिए लोग आज सतर्क नहीं है। आज लोग इत्मीनान है। आज सकता है मेरे प्रियो कि हम आत्मिक जीवन के लिए भी हम सतर्क हो जाएं, अन्यथा मेरे प्रियो जो आत्मिक जीवन की जो बुराइयां हैं वे आपके जीवन को वो मृत्यु की ओर ले जाएगी। मत्ती 18 उसका 14 पर वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि इनमें से छोटे में से छोटे एक भी नष्ट हो जाए। जिस तरह आज प्रशासन नहीं चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाए, और इसीलिए वो पहल कर रहा है मेरे प्रियो, निर्देशों को दे रहा है। मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर निर्भर है। इसी तरह से मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आज हम मसीहों को आत्मिक जीवन में बचाना चाहता है, हमें को अनंत मृत्यु से बचाना चाहता है, हमें को शैतान के सामर्थ से बचाना चाहता है मेरे प्रियो। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन का जो आज्ञा है, जो निर्देश है मेरे प्रियो, हम गंभीरता के साथ में हम पालन करें। और आप इस बात को आप जानिए मेरे प्रियो, जब इसे हम गंभीरता से लेंगे परमेश्वर के वचन को, जब मेरे प्रियो हम बहुत ही से हाँ परमेश्वर सीरियसली के साथ में लेते हैं, हमारा जीवन बचाया जाएगा। नीति वचन 4 उसका 4 परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब तू जीवित रहेगा,
तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरे आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा मेरे प्रियो। आज आपके लिए हमारे आवश्यकता है कि हम आत्मिक जीवन के लिए भी थोड़ा सा हम सोचें, आत्मिक जीवन के लिए भी हम तैयारी करें, आत्मिक जीवन के लिए भी हम सतर्क रहें। आज बहुत सारी ऐसे संसार की बातें हैं जो मेरे प्रियो आज हम एक एक को मेरे प्रियो मृत्यु की ओर ले जा रही है, हम एक एक को विनाश की ओर ले जा रही है। लेकिन आज हम मसीही गण, आज हम लोग इस बात के लिए हम लोग निश्चिंत हैं, केवल मसीही होना काफी नहीं है मेरे प्रियो। आज आत्मिक जीवन को आज जीने की बात है, जिन बातों के परमेश्वर ने मनाही किया है उन बातों को आज छोड़ने की बात है मेरे प्रियो। और आज उस आत्मिक जीवन के लिए आज चिंता करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से आज कोरोना के लिए लोग चिंता कर रहे हैं और एक महीना के लिए, सप्ताह दिन के लिए, तीन महीना के लिए आज वो लोग क्या करें, व्यवस्था करें, सामानों को आज ला रहे हैं। आज आत्मिक जीवन के लिए क्या हम लोग चिंता कर रहे हैं मेरे प्रियो? आत्मिक जीवन के लिए भी आज चिंता करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 17:16 कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही मेरे लोग इस संसार के नहीं है। आज उस आत्मिक जीवन के लिए भी आज तैयारी करने की आवश्यकता है, आत्मिक जीवन के लिए भी आज सोचने की आवश्यकता है मेरी प्रियो। आज हम शांत ना बैठे रहे लेकिन आत्मिक जीवन की गंभीरता को भी जाने। आज सारा विश्व, सारा देश आज कोरोना के लिए जाग उठा है। इसी तरह से मेरी प्रियो बहुत सात का वचन रोमी 13 उसके अगर आप 11-14 पर जिनको पढ़ेंगे क्वेश्चन वहां पर कहता है कि अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है क्योंकि वो हमारा उद्धार अब निकट है। अब हम अंधकार के कामों को छोड़कर अब हम ज्योति के हथियार को बांध ले, अब हम सिधाई के जीवन को हम जिए। जैसा दिन को सोता है हम सीधी चाल चले, लड़ाई को छोड़कर, इस गड्ढा को छोड़कर, व्यविचार के कामों को छोड़कर, प्रियंकर पन के छोड़ को छोड़कर, इस गड्ढा की बातों को छोड़कर मेरे प्रियो आज यीशु मसीह को हम पहन ले और जैसा यीशु मसीह को भाता है हम मेरे प्रियो गंभीरता का जीवन को व्यतीत करें। आज हमारे मसीह जीवन में आज गंभीरता होना बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। लोग आज कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोरोना का वायरस प्रवेश ना कर जाए। क्या आज हम लोग ऐसा कभी सोच रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आज हम पाप और बुराई से डिस्टेंस बनाकर आज हम चल रहे हैं, सोशल दूरी बनाकर चल रहे हैं? मेरे पास बुराई से, आज पाप से, इन सपन की बातों से, लड़ाई झगड़ा से, इस गड्ढा की बातों से, व्यविचार की बातों से, अपवित्रता की बातों से आज डिस्टेंस बनाकर चलने की बातें हैं मेरे प्रियो। बहुत ही आज आवश्यकता है हम गंभीरता भरा जीवन को हम व्यतीत करें। 1 तिमोथी 2 उसका 2 वचन कहता है कि हम गंभीरता और भक्ति के साथ में हम जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो जैसा तैसा जीवन को व्यतीत हम नहीं कर सकते हैं, हम गंभीरता के साथ में, हम भक्ति के साथ में हम जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो मरना तो एक दिन ऐसे भी है हम सबों को, चाहे हम कोरोना से मरे, चाहे बीमारी से मरे, चाहे स्वाभाविक मृत्यु मरे, लेकिन मेरे मृत्यु तो होना आवश्यक है। लेकिन उस आत्मिक जीवन की हम चिंता करें मेरे प्रियो यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं। बहुत शास्त्र है यूहन्ना 8:5 कहता है कि जो मेरे वचन पर चलता है वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, मृत्यु के पार भी आप उस स्वर्गीय जीवन को, उस अनंत जीवन को आप अधिकांश आप प्राप्त कर पाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए आज हो सकता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में जो पाप और बुराई की बातें हैं, इस मौपास काल में हम एक को चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है। क्या हम इन बातों के लिए हम सतर्क हैं कि आज हमारे जुबानों में, क्या आज यीशु का नाम है हमारे जुबानों में, क्या आज वो परमेश्वर का नाम आज गूंज रहा है? आज जहां देखो, जिसकी जुबान में देखो चार और कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन वो जो जीवन देने वाला परमेश्वर है उसको आज हम लोग भूल जा रहे हैं। आज हम चर्च को भूल जा रहे हैं, आज हम लोग बाइबल पढ़ना को भूल जा रहे हैं, आज हम लोग प्रार्थना करना को आज हम लोग भूल जा रहे हैं मेरे प्रियो। आज हो सकता है परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो नीचे वाला काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। मेरे प्रियो आज हम लोग देरी ना करें कि मैं कल बदलूंगा, मैं परसों बदलूंगा, मैं कल को छोड़ूंगा, लेकिन आज और अभी अपने जीवन में हम परिवर्तन को लाएं। मेरे प्रियो उस मरते हुए डाकू के लिए एक मौका था, एक सुनहरा अवसर था कि वो परमेश्वर को पहचान पाया। और नीचे परमेश्वर ने कहा कि आज ही तुम मेरे साथ उस स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो ये कोरोना का प्रकोप को आज हम लोग पहचान ले, जान ले मेरे प्रियो सचमुच में। आज दवा का एक्सपायरी डेट होता है कि 2020 में इसका एक्सपायरी खत्म होगा, 2021 में खत्म होगा, 2030 में, लेकिन मानव जाति का कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है कि मानव का जीवन अंत कब होगा। इसलिए मेरे प्रियो हम कल सुधरेंगे, कल बदलेंगे ये ना सोचें। आज और अभी हम परमेश्वर के पास आए, अपने बुरी चाल चलन से हम लोग फिरे और परमेश्वर को हम लोग ग्रहण करें मेरे प्रियो, नीचे हमारा जीवन बचाया जाएगा। इब्रानी 2:3 वचन कहता है जब इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर हम कैसे बच सकते हैं
हम कैसे बच सकते हैं इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हम देर ना करें। आमोस 4 उसका 12 पद में वचन कहता है कि अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए ऐसा मौका को दिया है मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग नाश हो जाए, हम लोग मृत्यु को हम लोग प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता कि दुष्ट अपने पापों में मर जाए, लेकिन इससे प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने पापों से वो परमेश्वर की ओर फिर जाए, अपने बुरी चाल चलन से को छोड़ दे, अपने बुरी कामों को छोड़ दे मेरे प्रियो, और परमेश्वर को ग्रहण करें। आज हमारे बहुत ही हो सकता है मेरे प्रियो, जब अपने परमेश्वर के पास आने के लिए हम तैयार हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 6:7 दूसरा पद में वचन कहता है कि आज अभी वो उद्धार का समय है, अभी उद्धार का समय है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पाप ग्रहण कर लेते हैं मृत्यु के पाप भी मेरे प्रियो, आप उस स्वर्ग जीवन को आप अधिकार से आप प्राप्त करने पाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज बहुत ही सकता है कि हमारे लिए मौका है। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि अभी दुनिया का अंत नहीं हो रहा है, संसार का अंत नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर आपके लिए ऐसा सुनहरा मौका को दे रहा है कि कोई भी उस स्वर्ग जीवन से नाश ना हो जाए। दूसरा पत्र 3 उसका 9 पद वचन कहता है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी दुनिया का अंत नहीं हो रहा है, दुनिया का अंत नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने आपके लिए बहुमूल्य अवसर को दिया है मेरे प्रियो, कि सचमुच में हम आत्मिक जीवन के लिए हम सतर्क हो जाएं, आत्मिक जीवन के लिए हम तैयार हो जाएं, आत्मिक जीवन के लिए हम खड़े हो जाएं, आत्मिक जीवन के लिए जाग जाए मेरे प्रियो। यदि आज भी हम चर्च नहीं जा रहे हैं, यदि आज भी हम गिरजा नहीं जा रहे हैं, यदि आज भी हम प्रार्थना नहीं कर रहे मेरे प्रियो, तो आज हम आपके आत्मिक जीवन के लिए आज हम खतरा उत्पन्न कर रहे हैं मेरे प्रियो, और हमारे आत्मिक जीवन को मेरे प्रियो नाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। आज मेरे प्रियो, आज चुनाव आपके हाथ में है, प्रशासन ने तो मेरे प्रियो कोरोना के लिए निर्देश निकाल दिया है, आज्ञा जारी कर दिया है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं, इसी तरह से परमेश्वर ने आपके लिए आज्ञा तो दे दिया है, आप मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है मेरे प्रियो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप चलते हैं आप बचाए जाएंगे। नीति वचन 4 उसका 23 पद वचन कहता है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मेरे प्रियो, जीवन का मार्ग है वो आपको जीवन की ओर ले जाएगा। इसीलिए मेरे, आज हम मसीह समुदाय होकर हम इस बात को हम लोग गंभीरता से जाने मेरे प्रियो, उन्हीं पाप में हम लोग पड़े ना रहे, उसी बुराई में हम लोग पड़े ना रहे मेरे प्रियो, लेकिन अपने जीवन के सोच को बदले, अपने विचारों को बदले मेरे प्रियो, और वो जो जीवन का दाता है मेरे प्रियो, उस जीवित परमेश्वर के पास में आए, नीचे हम स्वर्ग जीवन से वंचित नहीं होंगे मेरे प्रियो, लेकिन उस जीवन को अधिकार से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। एक किताब में मैंने पढ़ा था सत्य की समीक्षा में, उस किताब में मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति का जो कि प्राथमिकता था, जो इसका इच्छाएं था, वो उसका प्राथमिकता, वो इच्छा था केवल और केवल मान सम्मान, केवल पद, केवल रुपया पैसा अभिलाषा, लेकिन 6 महीने में उसका विचारधारा है वो बदल गया, वो विचारधारा उनका बदल गया मेरे प्रियो 6 महीने में। इसलिए क्योंकि 6 महीना में उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया, और जब कैंसर हो गया उनका विचारधारा ही बदल गया, उनका जो इच्छाएं थी बदल गया, उनकी प्राथमिकता वो बदल गया, और मेरी प्रिय उनका प्राथमिकता क्या हो गया, उनका प्राथमिकता हो गया अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बच्चों के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहना, पत्नी के साथ में रहना, और रविवार के दिन के लिए केवल सोचना कि कब रविवार आएगा, कब मैं गिरजा जाऊंगा, कब मैं समाज जाऊंगा, कब मैं परमेश्वर के संगति में रहूंगा, और वो परमेश्वर के साथ में जुड़ गया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी बहुत हो सकता है कि हम परमेश्वर के पास आए, नीचे हमारा जीवन कोरोना से बचे या तो ना बचे, संसारिक से बचे चाहे ना बचे, आत्मिक जीवन में आपका जीवन, हमारा जीवन बचाया जाएगा मेरे प्रियो। तो हम इस बातों को गंभीरता से लें और आत्मिक जीवन के लिए भी हम लोग जाग जाएं, आत्मिक जीवन के लिए भी हम लोग सतर्क हो जाएं मेरे प्रियो। आज लोगों के जीवन में कोरोना है, लेकिन आज आपके जीवन में आज वो परमेश्वर जो जगत को उद्धार करता है, वो यीशु मसीह आपके जीवन पे होने पाए, आपकी जुबान पे होने पाए मेरे प्रियो, और जब आप उसके खोज में रहेंगे। कुलुसी 3 उसका 1-2 पद में वचन कहता है कि जब तुम मसीह यीशु के साथ तुम गिलाए गए हो तो पृथ्वी पर के नहीं स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, पृथ्वी वस्तु की नहीं स्वर्गीय वस्तु के ध्यान में रहो मेरे प्रियो। जब हम स्वर्गीय वस्तु के ध्यान में रहेंगे सचमुच में उस जीवन को, बहुत अच्छे जीवन को आप पर हम अधिकार से प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, इस बात को हम लोग मजाक में ना लें, लेकिन गंभीरता से लें। जब गंभीरता से लेंगे सचमुच में हमारा आत्मिक जीवन मेरे प्रियो बचाया जाएगा, और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, हम स्वर्गीय राज के अधिकारी होंगे। एक वचन को मैं बोल के मान करना चाहूंगा अपने संदेश को, वचन कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते,
परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मेरी दृष्टि में केवल मसीह होना काफी नहीं है, लेकिन मसीह के साथ में चलना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना मेरे प्रियो बहुत ही आवश्यक है। जब ऐसे बातों में चलते हैं, आप विश्वास जानिए कि आप पर हम उस अनंत जीवन के भागीदार होंगे। असंसार की चीजों के लिए हम लोग सतर्क हैं, मेरे पर आत्मिक जीवन के लिए भी सतर्क होने की आवश्यकता है। कोरोना से आज डर रहे हैं, आत्मिक जीवन के लिए भी आज डरने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज कोरोना के लिए बहुत सारे चीजों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, अतः आत्मिक जीवन के लिए भी आज व्यवस्थित करने की बातें हैं मेरे प्रियो, पालन करने की बात है। सचमुच में हमारा जीवन आशीषित होगा और पृथ्वी पर के पार में वो अनंत जीवन जो आपके लिए हमारे ठहराया गया है, हम अधिकाशी प्राप्त करने पाएंगे। तो मेरे बात को हम लोग गंभीरता से लेते हुए एक सच्चा मसीही जीवन को हम लोग व्यतीत करें, गंभीरता और भक्ति के साथ में जीवन को व्यतीत करें। वो उद्धार का जीवन, वो छुटकारा का जीवन, वो अनंत जीवन आपका और हमारा होगा। परमेश्वर हम सब की सहायता करे, मदद करे, इस कोरोना को देखते हुए हम परमेश्वर की ओर फिरे। सचमुच हम एक जन परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाए। यही तक बोलकर मैं अपना संदेश को मैं अंत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से मसीह नमस्कार। यीशु सहाय। जय मसीह की।